बहुत। अभी तक किसी ने मैट ब्लैक S2 देखी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि मैट ब्लैक के साथ कुछ नया कॉम्बिनेशन किया जाए। भाइयों बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कैमरा सेट करते ही ना रिकॉर्डिंग का बटन दबाते, क्योंकि आपको मुझे देख के अच्छा लग रहा है, मुझे आप लोगों को देख के अच्छा लग रहा है। इट्स बीन 7 days गाइस, मतलब व्लॉग नहीं आया, मतलब शायद 8 दिन हो गए हैं, बट मैंने कैमरे को हाथ नहीं लगाया यूट्यूब के लिए। ऑल्दो आई वॉज शूटिंग समथिंग फॉर इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टा पे आजकल ज्यादा एक्टिव हूं मैं, क्योंकि इंस्टा मीन्स जरा सा टाइम निकाला और आप इंस्टा पे लोगों को अपडेट दे सकते हो, इसलिए आपको भी बोलता हूँ फॉलो कर लो। YouTube के लिए क्या आपको पूरा दिन चाहिए, आपको ब्लॉग है, स्टोरी है, चाल है, अगर कोई काम शुरू किया तो वो खत्म करना है, जैसे कि मिशन विंटर ट्रैक्शन 2.0। अब क्या हुआ ना, हमारे सीन्स थोड़े डिले हो गए, क्योंकि आपके भाई के पास भगवान की जैसे थोड़े बिजनेस आते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, तो उसके लिए मैं ट्रेवल कर रहा था। डकार वॉज वन ऑफ दैट, मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। अभी जिनको नहीं पता है ना बाइकिंग के अंदर में, उनको उतना वैल्यू नहीं पता लगेगा, उनको लगेगा क्या ही है, बट वो कहते हैं ना कि भाई जो जौहरी होता है, सोनार होता है ना, उसे ही रियल गोल्ड रियल डायमंड की ना केयर होती है। तो उसी हिसाब से मतलब बाइकिंग कम्युनिटी के अंदर में डकार इज समथिंग ह्यूज, मतलब मेरे लिए तो बोलूंगा मोटो जीपी से भी डिफरेंट लेवल, एक लेवल ऊपर का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि लास्ट ईयर मोटो जीपी एक्सपीरियंस करी थी, इस साल की स्टार्टिंग में डकार एक्सपीरियंस किया है। सो मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ पर्सनल ग्राउंडेड लेवल पे, बट एक चीज है जो मुझे किक दे रही है, सोच के ही मजा आ रहा है। मतलब मैंने कुछ प्लान किया इतने दिन में, पता क्यों गायब था, मेरे पास आए थे बहुत सारे, ऑब्वियसली जब मेहनत करते हो काम करते हो तो भाई तो मेहनत का रंग मिलता है, मतलब आपको पता ही है लास्ट ईयर बहुत अच्छा गया, बहुत सारे ब्रांड डील किए, इस साल की स्टार्टिंग में ही 2 या 3 डील कर लिए, और ऑलरेडी मंथ एंड पे दोबारा मैं ट्रेवल कर रहा हूँ अगेन फॉर अ ब्रांड। एंड जब ब्रांड के लिए काम करते हो तो क्या मिलता है, पहले क्या होता था ना, कुछ चीजें आपके पास नहीं होती थी, तो एक एक छोटी से छोटी चीज, चाहे वो GoPro क्यों ना हो, एक अच्छा हेलमेट क्यों ना हो, अच्छे राइडिंग गियर क्यों ना हो, राइडिंग शूज, बाइक्स, तो ये सब आपको किक देता था। आप एक एक करके ये सारी चीज अचीव करते हो, फिर क्या होता है ना कि पैसा तो आ रहा है, बट यार वो किक खत्म हो गई, अब क्या लूं क्या करूं। मतलब ठीक है, देखो होम इज माई अल्टीमेट ड्रीम, मतलब मेरे को एक ऐसी चीज चाहिए जिसके लिए मुझे बहुत अभी हार्डवर्क करना है, मतलब आई एम नॉट इवन हाफ वे थ्रू व्हाट आई वांट टू अचीव बाय माय 40s, बट जो अचीवेबल है वो यही है कि देखो मेरे को किक मिलती है मोटरसाइकिल से, है ना, आप जुड़े थे मोटरसाइकिल की वजह से, तो अभी मैंने कुछ ऐसा सोचा दोस्तों जिसको सोच के ना, मतलब मैं, मतलब मेरी रातों की नींद उड़ गई है, पिछले 3 दिन से मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जैसा ये यूट्यूबर्स अक्सर बोलते हैं ना, नोबडी हैज डन इट, सो मैंने कुछ ऐसा सोचा है, फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगेगी, प्लानिंग लगेगी, ऊपर से बहुत सारा पैसा, पैसे का आइडिया देता हूँ, कम से कम 1.5 करोड़ रुपए लगने वाला है जेन्युइनली। अब मैं समहाउ ये पैसा अरेंज कर सकता हूँ, रीजन मैंने सोचा था मैं लैम्बो लूंगा, मैंने पोर्शे ली, है ना, कॉम्प्रोमाइज किया, तो मेरे पास में कुछ बजट्स अभी भी हैं, प्लस हार्डवर्क तो चल ही रहा है, एंड प्रोस्पेक्टिवली मुझे ऐसा लगता है कि इस साल भी जो ब्रांड्स से मैं काम कर रहा हूँ वो बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। सो आई हैव अ फोरकास्ट इन माई माइंड, बट आप लोगों की हेल्प चाहिए, और आपको बदले में मैं कुछ ऐसा देने वाला हूँ किसी ने सोची नहीं होगी, प्रॉमिस है, इंडियन हिस्ट्री में कभी किसी ने ऐसा किया नहीं होगा अगर मैं कर पाऊँ। अभी इस वीडियो में सारी डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि स्टिल कुछ लॉजिस्टिक्स पे काम चल रहा है, बट ट्रस्ट मी आई वॉन्ट टू डू इट एट द एंड ऑफ द डे। मतलब ये जो मैं करने वाला हूँ ना, ये अपने लिए भी है, मतलब मेरे को व्यूज से इतना उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता है बहुत चीजें बदल गई, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है ना मैं उतना कंट्रोल नहीं कर सकता, बट कुछ फैक्टर्स तक कर सकता हूँ, बट ये जो मैं अचीव करूंगा ना ये मेरे लिए होगा, और इसकी कहानियां सुनाऊंगा लाइफ टाइम, या लोग सुनाएंगे ये पक्की बात है, बट अभी छोड़ो सारी बातें, अभी नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं आपसे एक हेल्प लेके और एक गुड न्यूज के साथ। बहुत लोगों को पता है कि मैंने ZX6R लेने का प्रोग्राम बनाया था, फाइनली दोस्तों मैं आज या कल में जाके बुकिंग करने वाला हूँ, आपको साथ में लेके जाएंगे, शोरूम पे जाएंगे, बुकिंग करेंगे, आपको सारी डिटेल देंगे, बट द कंफ्यूजिंग पार्ट इज मुझे आप ये बताना कौन सा कलर लें। अभी अच्छी बात है, एटलीस्ट आई एम हैप्पी फॉर दिस कि भैया 2 कलर्स में जो ZX6R है 2024 इंडिया की मार्केट के लिए आई है, 1 इज द रेगुलर ग्रीन, आपको पता है सिग्नेचर ग्रीन ऑफ एनी कावासाकी, द नेक्स्ट इज द ब्लैक, द ग्रे टोन विद ब्लैक एंड लिटिल बिट ऑफ ग्रीन, क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता, स्क्रीन पे मैं डाल रहा हूँ, आपकी हेल्प चाहिए मुझे कमेंट्स में बताना, एंड रिटर्न में मैं आपको पता क्या दूंगा, आप में से कुछ
स्पेशल लोग मेरी बाइक की डिलीवरी पे आएंगे एंड आई विल प्लान समथिंग बिग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. मे बी कुछ गिव अवेज हों, और वैसे गिव अवेज तो मतलब इस पूरे साल होने वाले हैं जो मैंने अगर प्लान सोचा उसके अकॉर्डिंग. यू विल बी गेटिंग जैकेट्स, यू विल बी गेटिंग हेलमेट, मे बी टायर्स एंड देन इंजन ऑयल तो आपको पता है मिलेगा ही मिलेगा आपको. एंड ग्रैंड प्राइज भी कुछ हो सकता है, बट लास्ट ईयर का बता देता हूँ, मैंने आईफोन गिफ्ट किया था, मैंने लास्ट लास्ट ईयर में बाइक भी गिफ्ट किया था, है ना. सो यू नेवर नो. सो दिस ईयर विल बी मैसिव. आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू बी पार्ट ऑफ माई जर्नी. आप लोग दिल से सपोर्ट करो. फिलहाल मुझे अभी ऑफिस से निकलना है, 4:30 हो रहे हैं, कोई मेरा इंतजार कर रहा है. मैंने H2 के ऊपर कुछ काम करवाया था, मुझे उसको पिक करना है. तो चलते हैं, हेलमेट उठाते हैं और बाकी बातें करेंगे ऑन द गो ओवर द मोटरसाइकिल. बाय. मतलब नेक्स्ट टू द ब्रांड न्यू, मतलब ये कमाल है क्लीनिंग का. अभी मैंने डिटेलिंग नहीं कराई है, सच्ची बता रहा हूँ. आई जस्ट गॉट द डीप क्लीनिंग डन एंड अभी बहुत दिन के बाद इसको मैं फायर अप करने वाला हूँ. लेट्स डू इट. वाह, अच्छी बात है. बैटरी के ऊपर अभी सर्दी का असर नहीं हुआ है तो ये तो एक साल और चल जाएगी. टायर मेरे को चेंज कराना है, मतलब जब मेरे को मौका लगे ना. मतलब इनफैक्ट ये जो फ्रंट टायर है ना स्पेशली, ये थोड़ा सा शेप खराब हो चुका है, जिसकी वजह से ना आगे का हैंडल थोड़ा सा हैवी लगता है. And man, look at this monster. क्या बनाई है, जिसने बनाई ना 10 out of 10. तो अभी इस पर PPF का काम हो रहा है, बहुत ज़रूरी है भाई. मैं तो बोलता हूँ PPF मतलब होना ही होना चाहिए सब पे. अब आप बोलोगे आपने इस पर क्यों नहीं कराया, एक्चुअली तब पैसे नहीं होते थे जब मैंने ली, सारे पैसे तो इसमें लगा दिए थे. बट एक और चीज़ है कि अभी मैं इसके ऊपर फिर से रैप कराने की सोच रहा हूँ, इसीलिए मैं आज इसको यहाँ से पिक कर रहा हूँ. बट मधुर आवाज़ है भाई, मधुर आवाज़ है, मज़ा आएगा क्योंकि इतने दिन हो गए ना बाइक नहीं चलाई थी. एंड दैट टू दी H2. वाह, ये तो तालमेल हो गया, जुगलबंदी हो गई. दैट टू दी H2. एंड जब मैं गोवा गया था ना उसके बाद से ये गायब हो गया था. और एक पावर बैंक अभी भी नहीं मिला मेरे को, बट ये मिल चुका है 360. इसलिए अभी एटलीस्ट जब तक यहाँ पे लाइट ठीक है इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बाहर तो भाई बिल्कुल यूज़ नहीं होगा, आते आते काफ़ी अंधेरा हो गया. नाउ लेट्स मेक अ मूव. एंड अभी मेरे को कुछ ऐसा नया नया फील हो रहा है कि जैसे ना मैं कभी व्लॉगिंग किया करता था, मेरे लिए मतलब बिल्कुल न्यू वर्ल्ड फील हो रहा है मेरे को, टोटली न्यू वर्ल्ड टू मी. ओ मैन, वाइब है भाई, वाइब है, वाइब है, वाइब है. और ये जो मेरा इसुजू खड़ा ना लेफ्ट में, इसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ बिकॉज उसको भी क्लीनिंग की ज़रूरत है. तो 2-3 दिन में वो भी रेडी हो जाएगा तो मैं उसको पिक करने के लिए आ जाऊँगा. बट फिलहाल लेट्स गिव सम थ्रॉटल. ऐसे व्हील स्पिन हुआ क्योंकि एक तो ठंडा व्हील है, दूसरा उसपे पॉलिश लगा होगा थोड़ा थोड़ा वॉल्स पे. नो, कह तो ये झूठ है. मेरी खुशियों को नजर लग गई भाई, मेरी खुशियों को नजर लग गई है. मुझे बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिल गया, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है. मैंने दूर से देखा था, मुझे दूर तो बच गए भाई, बच गए, बच गए, बच गए. अभी क्या है ना, पॉलिश लगी हुई है, आगे की भी ब्रेक नहीं पकड़ रही. ओ भाई, अभी ठुक जाता, सच्ची बोल रहा हूँ, ये जाता. सत श्री अकाल मेरे भाई, सत श्री अकाल. डेली डेलीट किशोर, हाँ मेरे भाई, ग्रेट मीटिंग मेरे भाई, ग्रेट मीटिंग. मेरे ब्रदर और भाई के बीच में मिक्स हो गया, समझ रहे हो. ओके, टाटा बाय बाय. मेरे को लग रहा है यहाँ से धक्का मार के लेके जानी पड़ेगी. बेबी कालू मेरे दोस्त, अच्छा बच्चा है तू तो कालू. चलो 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 बेटा, रेस दी ना, रात को नींद नहीं आएगी. मेरे मेरे पेशेंस का इम्तिहान मत लो, आई एम अ बैड बॉय. बिग फैन, बिग फैन. ओ भाई, भाई भाई भाई, ओ
क्या भगाई है मैंने, क्या भगाई है भाई, ये गाड़ी हमारी पोर्शे। कहाँ है, है कहाँ, अरे कहाँ रह गया था, मेरे को लग रहा है ये रहा, एक तो मिल गया, अब दूसरा कहाँ है वो ढूंढना पड़ेगा भाई, कहाँ है कहाँ है, वो रहा, जल्दी ढूंढ के लाओ, अभी ऑडियंस को कहानी नहीं समझ आएगी, ट्रांजिशन नहीं समझ आएगा, बट मैं समझाता हूँ दोस्तों। बट सबसे पहले सामान ढूंढ लेते हैं जिसके लिए हम 20 किलोमीटर दूर आए हैं, मतलब पिछले वाले पॉइंट पे जहाँ पे मैंने वीडियो बंद करी थी, यहाँ रखा हुआ है। वाह मिल गया, ये भी कार्बन है भाई, टू लाइट, जस्ट हैव अ लुक, दिस इज ऑल्सो कार्बन। अब आपको समझ नहीं आएगा ये दोनों पीस क्या है, जल्दी से बता देता हूँ, वैसे गेस भी आप कर सकते हो, ये हमारी जो H2 है ना उसका बेली है, तो पहले ये वाले पार्ट्स ना यहीं पे रह गए थे क्योंकि मैंने एग्जॉस्ट यहीं पे चेंज करवाया था। अभी हम लोग ढूंढने के लिए आए, इनको लेने के लिए आए क्योंकि ना बाइक थोड़ा इनकम्प्लीट लग रही है, आपको पता है थोड़ी सी कमियाँ हैं, बट जल्दी सुधार देंगे और ये पुराना रैप तो उतार ही देंगे। बट एक बहुत अमेजिंग चीज़ हो गई यहाँ आने से, दिलजीत पाजी ने एक सजेशन दिया है, मुझे तो भाई बड़ा वैलिड लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आइडिया लग रहा है, बढ़िया, आप मेरे को कमेंट में बताना। अभी तक किसी ने मैट ब्लैक H2 देखी नहीं है तो हम चाहते हैं कि मैट ब्लैक के साथ कुछ नया कॉम्बिनेशन किया जाए और इसी में कुछ ग्रीन का टच देंगे तो वो निंजा वाली फीलिंग भी आएगी, तो उसी को लेके कुछ नया बनाने का प्लान है। गजब की चीज है, सही बता रहा हूँ, मैंने बस ये सोचा इतने दिन से बाइक यहाँ पे खड़ी, एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, वार्म अप कर लेते हैं, बट मुझे क्या पता था अंदर का बच्चा दोबारा जाग जाएगा। क्रेजी मशीन है, मेरे को बोल रही है, प्रोवोक कर रही है कि जल्दी से एक दिन मैं प्लान करूँ ऑफ रोड का दिन, 2-4 घंटे इसको चलाऊं, ब्रूटल एनी डे, एंड ट्रस्ट मी आई लव दिस बिल्ट यार, मतलब मैंने बहुत प्यार से बनाई है, अभी चेक कर रहा था 1000 किलोमीटर पूरे हो गए इसके। अंदर गाने चल रहे हैं, कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा बाहर आके ब्लॉक करने का, बट दोस्तों ऐसा है, रात बाकी बात बाकी, ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं और अभी भी मैं चाय पी रहा हूँ, और शायद एक ये रीज़न है कि रात को मेरे को नींद नहीं आती, आजकल डेली में इवनिंग में एक नहीं दो नहीं 3-3 कप चाय पीता हूँ, और ये जो सर्दी वाला वेदर है ना इसको इन्जॉय करता हूँ। एंड आई एम श्योर आप भी मेरे जैसे हो गए कि रात को ख्याली पुलाव बनते हैं कि भाई कल से ये बदल देंगे, कल ये फटे चक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और सुबह उठते हैं ना डल, एकदम ज़ीरो, डेड। और मेरे साथ ऐसा होता है कि दोपहर के बाद एनर्जी आनी शुरू होती है पोस्ट लंच, शाम को ठीक होता है, बट रात को आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, आई एम श्योर आई एम रिलेटेबल हियर। एक दिन जब बॉडी बनेगी मैं टैटू बनाऊंगा, ना तो बनती है बॉडी ना बनता है टैटू, बट अभी 12:15 हो रहे हैं, थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि वाइफ साथ वाले कमरे में है, एंड मेरे को याद आया वीडियो मैंने क्लोज नहीं किया, अगर अभी तक देख रहे हो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, क्योंकि ये नेक्स्ट व्लॉग में मचाएंगे, और आपके कमेंट्स में पढ़ूंगा, मेरे को जल्दी बता दो H2 के साथ करना क्या है।